अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत सी ब्राउन और ग्लिटरी लुक करेंगे। ब्राउन जो है वो हम ट्रांजिशन कलर अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से हम ग्लिटरी लुक जो है वो क्रिएट करेंगे। इसको करना बहुत सिंपल, बहुत आसान है और ये लुक बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड लेके एंगल ब्रश पे उससे अपने ब्रोज को बहुत अच्छे से फिल कर लेना है। उसके बाद हम मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन यूज़ करेंगे इन शेड बेज 2 और इसको हम अपने फोरहेड अंडर आइज़ पे अप्लाई कर लेंगे, अपनी लिड पे भी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे और इसको बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्रश की मदद से ही हम सारी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम इस रोज को कंसीलर लेंगे इन शेड आइवरी 6 और इसको फ्लैट ब्रश पे लेके अपने ब्रोज को नीट कर लेंगे और साथ ही हम अंडर आइज और लिड पे भी अच्छे से कंसीलर जो है उसको अप्लाई कर लेंगे। ब्रश की हेल्प से ही हमने इसको स्प्रेड करना है। और उसके बाद हमने ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद हम मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करेंगे, इसको बहुत अच्छे से हमने सेट कर लेना है। उसके बाद पैलेट में से बहुत लाइटेस्ट शेड जो है वो हमने लेना है फ्लफी ब्रश पे और इसको हमने अपनी क्रीज एरिया में बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी है और इसको हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है सर्कुलर मोशन में। जब बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी तो फिर हम एक और फ्लफी ब्रश पे लाइट ब्राउन कलर जो है उसको लेंगे और क्रीज़ को हमने थोड़ा सा इसको आउटर कॉर्नर से क्रीज़ की तरफ अप्लाई करना है। आउटर कॉर्नर पे हम इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे और साथ साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसको इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे इस कलर को। बिल्कुल लाइट हैंड से हमने इसको ब्लेंड करना है और अप्लाई भी बिल्कुल थोड़ी सी प्रोडक्ट करनी है। उसके बाद हमने डार्क ब्राउन जो है वो लेना है और इसको अगेन हमने डेप्थ देने के लिए अपनी क्रीज एरिया में अप्लाई करना है इस तरह से। इसको हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद हम ब्रश लेंगे, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको सिर्फ हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जो भी हमने कलर्स अप्लाई किए हैं इनको हम सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि एक ब्लेंडेड जो है वो लुक आए। उसके
उसके बाद पैलेट में से गोल्डन सा शेड लेके हमने एंगल ब्रश पे और उससे अपने ब्रोज को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। ब्रो बोन को और इनर कॉर्नर को भी हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद हमने स्मॉल फ्लैट ब्रश पे गोल्डन शिमर कलर जो है वो लेके अपनी लेट पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हमने फ्लफी ब्रश लेके बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, क्रीज को नीट कर लेना है, आउटर कॉर्नर को भी, ताकि बहुत ही एक अच्छी ब्लेंडेड जो है वो लुक आए। उसके बाद ब्राउन शेड हमने छोटे से ब्रश पे लेना है, उसको हमने लोअर लैश लाइन पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना है और ब्लेंड भी हमने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद हमने विंग लाइनर जो है वो क्रिएट कर लेना है। साथ ही हमने मस्कारा जो है वो भी अप्लाई कर लेना है लैशेस पे। उसके बाद हम व्हाइट पेंसिल लगाएंगे और साथ ही हमने मिंक लैशेस जो है वो अप्लाई कर ली हैं और ये है फाइनल लुक। बहुत ही इजी और सिंपल वे में ये लुक जो है वो मैंने क्रिएट की है। इसको करना बहुत सिंपल बहुत आसान है। आप इसको किसी भी वेडिंग फंक्शन में कर सकते हैं, ब्राइड्स जो हैं वो भी इसको लुक को कैरी कर सकती हैं। अगर आप खुद अपना मेकअप करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल और इजी लुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।